दोस्तों बॉलीवुड के 2.5 किलो वाला हाथ सन्नी पाजी गदर 2 के प्रमोशन करते हुए भावुक हुए और स्टेज पर रो पड़े, लेकिन इसी बीच सन्नी देओल ने किया एक बड़ा खुलासा जिसे सुनकर आपके गांड फट जाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? जी हाँ नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बउआ बोल रहा हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैं आपका बउआ बोल रहा हूँ, जिसमें भारत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शामिल गदर 2 रिलीज होने के लिए तैयार है। इसीलिए आप लोग कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इस बार सन्नी पाजी मौसम बदलने वाले हैं और गदर 2 को पाकिस्तान में रिलीज होने से बैन है, क्योंकि सन्नी पाजी फिल्मों में सभी मुसलमानों को हथौड़ा से गांड फाड़ रहे हैं, जिसे देखकर पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा डर गया है और बुरा हाल हो गया है, कहीं मेरा भी गांड ना फट जाए। जो कि यह फिल्म 1947 भारत पाकिस्तान के विभाजन के दौरान ट्रक ड्राइवर तारा सिंह और एक मुस्लिम महिला सकीना की प्यार की कहानी है। लेकिन दोस्तों यह कहानी तो काल्पनिक है, बल्कि असली गदर की कहानी तो सीमा हैदर और सचिन के बीच है। और गदर 2 11 अगस्त को सिनेमा घरों में दस्तक देगी, जिसके लिए फैंस काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है। और सन्नी पाजी ने गदर 2 के रिलीज से पहले एक टिकट पर एक टिकट फ्री कर दिया है। इतना ही नहीं, और इसके साथ डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम के साथ समझौता किया है, अब कैश नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसीलिए देरी किस बात का, जाइए और मजा लीजिए सिनेमा घरों में। और गदर 2 के एडवांस बुकिंग मामले में 3 दिन पहले 16 से 18 करोड़ की कमाई कर ली है, और ऐसा अब लग रहा है कि इस बार गदर 2 सभी फिल्मों की गांड फाड़ने में सफल हो सकती है। हालांकि 11 अगस्त को इसके साथ एक बड़ी फिल्म रिलीज होने वाली है, अक्षय कुमार की ओ माय गॉड, और गदर 2 को टक्कर दे सकती है। दोस्तों आप सबसे पहले कौन सा मूवी देखना पसंद करेंगे और कौन सा मूवी बॉक्स ऑफिस की इस वक्त गांड फाड़ सकती है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए और ताज़ा खबर देखने के लिए हमारे BTS न्यूज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।